जन्मादस्य तोन्मयादि तर्तश्चाते स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्मदायादि कवये मोहयन्ति यत् सूर्यः कि तेजो वारिलिताम् यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेद सदा निरस्त कुहकम् सत्यम परम धीमहि। ये किसी का नाम नहीं लिया वेद व्यास जी, जब शुरू किया सबसे पहले सत्य को प्रणाम किया। सत्य कौन है? गर्भ स्तुति ने जब देवकी माँ कारागार में बंद है और वहां पे सब देवता जब परेशान हो चुके होते हैं, तो जब समय आया भगवान के आने का, तो वहां भी देवताओं ने ऐसे ही प्रणाम किया है। कैसे प्रणाम किया है? कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, कोई नाम नहीं लिया। उन्हें सत्य जो है, जो सत्य व्रत है, सत्य परम सत्य है, त्रिसत्य है, कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य यो निहितम च सत्य सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ऐसे सत्य के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं, प्रभु आप आइए और हम लोगों का कल्याण करिए। ये गर्भ स्तुति में देवता स्तुति करते हैं, वही सत्य को यहाँ भी प्रणाम करते हैं। वो सत्य कौन है? कहते हैं कि जो जन्मादस्य, जो जन्म यानी आज और अंत से जो परे है, न जिसका जन्म होता है और न जिसकी मृत्यु होती है। जो आदि और अंत से परे है, जिसका विशाल स्वरूप, ये पूरा संसार ही जिसका स्वरूप है, जिसके अंदर हम लोग सब विराजमान हैं, जिनकी लीलाओं को सुन करके, जिनकी लीलाओं से ब्रह्मा आदि बड़े बड़े सूरवीर भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे सत्य को हम लोग प्रणाम करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, जब कन्हैया जी गोकुल में अपने सखाओं के साथ लीला कर रहे हैं, गायों को चरा रहे, बछड़ों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे इसी में एक बार ब्रह्मा जी को मन में विचार हुआ। ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि ये ब्रह्म है कि नहीं, हमें तो नहीं लगता कि कोई ब्रह्म है। कन्हैया जी क्या कर रहे हैं? जंगल में गए हैं, गाय चला रहे हैं और बैठे बैठे जब दोपहर हुआ, भूख लगी, तो सारे सखाओं को बुला लेते हैं और सबकी पोटली खोल करके सब में से निकाल निकाल के भोजन करने लगते हैं हमारे कन्हैया। ब्रह्मा ने जी देखा, उन्होंने तो बड़े विधि नियम कायदा कानून के मालिक है ब्रह्मा जी, उनका हर काम नियम से चलता है, बिना नियम के कोई काम नहीं होता। उन्होंने सोचा कि यदि ये ब्रह्म है, तो ब्रह्म नियम ये है कि हाथ पैर धुल करके बढ़िया आसन लगा करके और किसी का उच्चिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रह्म है तो सबका भोजन सबके थाली से निकाल निकाल के भोजन कर रहा है, फिर ये ब्रह्म नहीं हो सकता। और ब्रह्म है तो नियम ये तो हमारा गलत है। ब्रह्मा जी के मन में संशय हो गया, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इनकी परीक्षा लूंगा। प्रभु गायों को बीच में बढ़िया सुनकर बैठ करके भोजन कर रहे हैं, इतने ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और आकर के जितने भी गाय बछड़े उनके सखा थे, सब ग्वाल बालों को सबको चुरा लेकर के अपने ब्रह्मलोक में चले गए। कन्हैया ने देखा कि ब्रह्मा जी तुम लेके चले गए। कन्हैया मन में विचार करते हैं कि हे ब्रह्मा, तुमको जब मटेरियल मिलता है तब तुम सृष्टि की रचना करते हो, आप अपने आप से नहीं कर पाते। आपको मटेरियल नहीं, अगर सुनार को स्वर्ण मिलेगा तभी तो कोई वस्तु बनाएगा। तुमको जब मिलता है तब तुम बनाते हो, लेकिन मैं स्वयं बनता हूँ, मैं मुझे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं मटेरियल भी बनता हूँ, मैं बनाने वाला भी बनता हूँ। इसलिए आप जाओ, अभी मैं दिखा देता हूँ क्षण में। और देखते ही देखते प्रभु ने जितने गाय बछड़े थे पुनः उतने अपने कृपा से तैयार कर दिया। सब शाम का समय हुआ, अपने अपने गौशाला में सारी गैया पहुंच गई, सारे बछड़े पहुंच गए, सारे ग्वाल वाल अपने अपने घर पहुंच गए। अब ब्रह्मा जी धर्म मगन है कि अब तो मजा आएगा, क्योंकि मैंने तो सारे बछड़ों गायों को चुरा लिया है, देखते हैं इस ब्रह्म में कितनी शक्ति है, ये है कि नहीं है।
और ये सोच करके ब्रह्मा जी भूल गए कि देखना कि वो बना दूसरा उन्होंने निर्माण कर भी दिया है। इधर धीरे धीरे एक वर्ष बीत गया, ब्रह्मा जी को अभी कोई ध्यान नहीं आया कि जिसका मैंने चुराया था वो लेने भी नहीं आया, ढूंढ ढूंढ भी नहीं रहा है, और गैया बछड़े कुछ है कि नहीं, ये सब सोच उनको दिमाग में नहीं आया ब्रह्मा जी। एक वर्ष बीत गया, भगवान ने कहा, मन विचार किया कन्हैया ने कि अब इनको कुछ न कुछ समझाना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन बीत गया ये भूल चुके हैं। प्रभु पहुंचते हैं ब्रह्मलोक में। एक दिन ऐसा होता है कि ब्रह्मा जी कहीं किसी काम से अपने बाहर निकल गए थे, अपनी सभा से बाहर गए हुए हैं। जब प्रभु ने देखा कि ब्रह्मा जी बाहर गए हुए हैं, इतने में ब्रह्मा जी ने प्रभु ने कहीं आने ब्रह्मा जी का स्वरूप बनाया और ब्रह्मा जी के सिंहासन पर जाकर के विराज होने के लिए तैयार हो गए। जब दरवाजे के पास से जाने लगे तो जो द्वारपाल खड़े थे अपने द्वारपालों से कहते हैं, देखो द्वारपालों, अंदर कोई आने न पाए, क्योंकि आजकल बहुत नकली ब्रह्मा बन करके टहल रहे हैं, तो देखो सब ब्रह्मा बन जाते हैं, कोई अंदर आने न पाए, देखना। द्वारपाल बोले, ठीक प्रभु, जैसा आपका आदेश, और कन्हैया जो ब्रह्मा जी बने हैं जाकर के ब्रह्मा के सिंहासन पर विराजमान होंगे। कन्हैया जी ब्रह्मा जी के सिंहासन पर विराजमान है। कुछ समय बीता, ब्रह्मा जी लौट करके जब आए अपने दरवाजे पर तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। रोका कि आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, अरे तुम मुझे पहचान नहीं रहे, मैं कौन हूँ? अरे तुम्हारा स्वामी। द्वारपालों ने कहा, प्रभु हमारे स्वामी तो हमारे अंदर सिंहासन पर विराजमान है, तुम कौन से मेरे स्वामी हो? स्वामी तो हमारे अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है, अरे मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ, फिर से एक बार देखो तो मुझे। द्वारपालों ने कहा, प्रभु मैंने सही सही ध्यान से देख लिया है, मेरे स्वामी तो अंदर विराजमान है सिंहासन पर। द्वारपालों ने कहा, अब जब कई बार बात हुई तो ब्रह्मा जी को ध्यान आया कि आखिर ये अंदर कौन बैठा है। उन्होंने ध्यान लगाया, जब ध्यान लगाया तो उस परम ब्रह्म परमेश्वर उनके ध्यान में आने लगे कि ये तो नारायण आकर के विराजमान हमारे कृष्ण कन्हैया। दौड़ करके जाकर उनके चरणों पर गिर जाते हैं, कहते हे प्रभु मुझसे बड़ा अपराध हो गया, भूल हो गई, क्षमा करिएगा, मैं समझ नहीं पाया, मैं जान नहीं पाया कि ब्रह्म की लीलाएं क्या क्या हो सकती है, ब्रह्म ऐसा भी कर सकता है। अरे कहते हैं प्यारे कि ब्रह्म तो आपका सेवक भी बनने को तैयार है, जो चाहो आप बना लो, भाव भाव जो चाहे वो करा लो, अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है तो वही ब्रह्म आकर के हम लोगों को बीच में नाचने भी लगता है। वही ब्रह्म जो निर्गुण निराकार है, कभी दिखता नहीं, जिसको हम देख नहीं सकते, वही ब्रह्म क्या करता है कि धीरे धीरे कभी कभी हम लोगों के बीच में आ करके नाचता भी है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर धावे।